एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दे के बाजार भेजा। बेटा 100 रुपए लेके मैया बाजार गया तो वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था, मंदारी बंदर को नचा रहा था, तो वो वहां नाच देखने में लग गया। नाच पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा तो इसके पास कितने रुपए थे, कितने 100 रुपए थे। पिता ने दिया था बाजार से ताजे ताजे फल लाने के लिए, इसने 100 रुपए निकाले। वो इतना इंप्रेस हुआ ना बंदर के खेल से कि इसने 100 रुपए बंदर को दे दिया। अब बंदर तो लेके चला गया, मंदारी चला गया। अब इसे याद आई कि मैं 100 रुपए लेके आया था, किस लिए याद आया, अरे पिताजी ने तो बाजार फल के लिए भेजा था। वो दुकान में गया, फल मांगा तो दुकानदार ने कहा भाई पैसे दो। उसने कहा पैसे तो नहीं है, तो दुकानदार ने कहा फिर फल कैसे मिलेंगे, जाओ। वो वापस खाली हाथ अपने पिता के पास आया। पिता ने पूछा बेटा फल ले आए, नहीं पिताजी नहीं लाया। क्यों बेटा, बोले फलों की दुकान तक मैं पहुंचा तो लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, नहीं लाए तो पैसे वापस करो। पिता ने कहा पैसे दो, तो बेटे ने कहा पैसे तो खर्च हो गए। कहां खर्च हो गए, बोले मंदारी बंदर को नचा रहा था, अच्छा लगा वहां खर्च हो गए। पैसे दिए किसके लिए थे, फलों के लिए, खर्च कहां कर दिया, बंदर के नाच में। ये छोटी सी कथा जो आपने समझ ली, अब मैं इसे अपने जीवन की कथा से जोड़ता हूं, समझिएगा। एक पिता ने अपने बेटे को कितने रुपए दिया था, दो जोर से 100 रुपए। वो पिता है परमात्मा और वो बेटा है आप सब हम सब। 100 रुपए देके भगवान ने हमें भेजा है, 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र, 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। किसी को 100 साल, किसी को 50 साल, किसी को 80 साल, किसी को 100 रुपए, किसी को 70 रुपए, किसी को 80 रुपए, किसी को 40 रुपए। जितनी आयु है उतने रुपए। आपको भगवान ने कहाँ भेजा है, बाजार। ये संसारिक बाजार है। ईश्वर ने 100 रुपए देके हमें बाजार भेजा है, किसके लिए, फल लाने के लिए। कौन से फल, अच्छे अच्छे कर्मों का फल। अच्छे अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों का फल, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, मेरे द्वारा किया गया सारा पुण्य मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ, है ना। तो अच्छे अच्छे कर्मों का फल लाने के लिए भगवान ने हमें संसार में भेजा। लेकिन यहाँ पर हमने एक मदारी का खेल ही देख लिया। ये मदारी का खेल क्या है, पति पत्नी गृहस्थी, ये गृहस्थी मदारी का खेल है। बोलो गृहस्थी क्या है, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, मम्मी बोलती बेटा नाचो, बच्चा नाचता है ऐसे ऐसे, माँ बड़ी खुश होती है। फिर बच्चा बोलता माँ आप नाचो, तो माँ भी नाचती है। कभी वो आपको नचाए, कभी पति बोलता पत्नी को तुम नाचो आज हम तुम्हारा नाच देखेंगे, कभी पत्नी बोलती है पति से आप नाचो आज हम आपका नाच देखेंगे। तो कभी पत्नी नचाती है, कभी पति नचाता है, कभी बेटा नचाता है, कभी माँ नचाती है। कभी ये बूढ़े बूढ़े लोग नचनियों का नाच देखने जाते हैं, हाँ नाचने का मुजरा। अब तो कम गया, पहले तो खूब मुजरा देखते थे बूढ़े लोग। कुल मिला के एक नाच रहा है, दूसरा नचा रहा है, क्या सही है ये बात। गृहस्थी में पत्नियां कई बार गुस्से में कहती हैं हम सवेरे से शाम तक नाच रही हैं, तो बंदरिया बनी तो नाचोगी ही। पुरुष भी कहता हम सवेरे से शाम तक नाच रहे हैं, तो नाचोगे क्योंकि बंदर हो। तो संसार में हम लोग एक दूसरे के लिए नाच रहे हैं, बोलो हाँ या ना। तो इस नाच में कितने रुपए खर्च हो गए, उसने कितने रुपए दे दिए ईमानदारी को, कितने मैया 100। मतलब तुम्हारी पूरी जिंदगी
जो भगवान ने अच्छे कर्मों के लिए तुम्हारी जिंदगी दी थी, जो उम्र तुम्हें परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए दी थी, वो उम्र वो समय तुमने केवल पति पत्नी पुत्र परिवार की सेवा में लगाई, ना तो आत्म कल्याण में लगाई, ना तो समाज की सेवा में लगाई। वो सारे पैसे, वो सारी उम्र तुमने केवल मेरा मेरा करते करते, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार में तुमने 100 रुपये खर्च कर दिए। और जब यहाँ से गए तो परमात्मा ने 100 रुपये का हिसाब मांगा, चल 100 रुपये ला। कहाँ खर्च कर दिया? बोले सारे पैसे पत्नी में ही खर्च हो गए, सब कुछ पत्नी को दे दिया, सब कुछ बेटों को दे दिया। सारी जिंदगी आज आदमी मेहनत करता है, मेहनत कर करके करोड़ों रुपए कमाता है, और करोड़ों कमा के सारी संपत्ति अपने बच्चों को देता है, और बच्चों को दे के मर जाता है। भगवान बोले चलिए बता कि मेरे लिए क्या किया? ना प्रभु, ना तो कभी दान कर पाया, ना पुण्य कर पाया, ना किसी को खिला पाया, ना किसी को सेवा में लगा पाया। कमा कमा के बेटों के नाम करता गया करता गया। अब बताओ कि आया किस लिए था और क्या किया? अरे कुछ अपने लिए कर लो मेरी माँ, बेटों को करोड़ों दे दोगी, वो तुम्हारा नहीं है, वो बेटों का हो गया। जो तुमने किसी भूखे को खिलाया होगा कभी, प्यासे को पानी पिलाया होगा कभी, वो धन आपका है, वही पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए अपने हाथों से कुछ पुण्य करते चलना, सब कुछ बेटों के लिए ना करते चलना। बेटे तो रख लेंगे करोड़ों, और ये और कहेंगे कि हमारे बाप ने कुछ नहीं दिया, हमारी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया। करोड़ों रखने के बाद बहू कहती है मेरी सास ने चम्मच तक नहीं दिया, तो दुनिया के लोगों का पेट कभी नहीं भरेगा। तुम सिर काट के भी दे देना, यहां से अपनी गर्दन को तलवार से काट के और बेटे और बहू को दोगे ना, तो भी उनकी शिकायतें कम नहीं होंगी। इसलिए कुछ अपने लिए कर लो मेरी माँ, बच्चों के लिए तो बच्चों के हाथ पांव हैं, वो अपने लिए कर लेंगे, कुछ तुम अपने लिए कर लो जो वहां काम आएगा। तुम्हारा किया पुण्य तुम्हारा है, और तुम्हारा किया पाप तुम्हारा है। दो चीजें आपकी हैं, पाप और पुण्य दोनों आपके हैं। धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः स्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। मनुष्य के द्वारा किया गया पुण्य, किया गया धर्म, उसका साथी बनता है। ना बेटा साथी बनेगा, ना पत्नी, पत्नी बेटा परिवार सब यहाँ के साथी हैं, वहाँ का साथी तो केवल हमारा धर्म है। जो पुण्य किया है वो आपका है। इसलिए यहाँ के लिए जो कर लिया अच्छा है और करो। पर इसलिए कहते हैं ना, हमारे यहाँ कमाई का 10% दान में लगाना चाहिए, दशांश दान करना चाहिए। कमाई का कितने परसेंट दान करना चाहिए? 100 रुपए में 10 रुपए दान करो, परोपकार में लगाओ, सेवा में लगाओ, तब धन की शुद्धि होगी। और ये सबके लिए है। लेकिन आज का आदमी केवल रख रहा है, उसे लगता है मैं बांध के ले जाऊंगा। मैया आपके बाप दादे भी कुछ बांध के ले गए हैं? बोलो मेरी माँ, तो फिर आप लोग कुछ ले जाओगी? है कुछ प्लानिंग? फिर क्यों हाय हाय करके मर रही हो? क्यों दो दो इंच जमीन के लिए झगड़ा चल रहा है? जब बांध के कुछ नहीं ले जाना तो किस बात का विवाद है? किस बात का मनमुटाव है? किस बात का झगड़ा है? जो ले जाना है वो कौन सा धन जाएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो धन तुम्हारे संग जाएगा। वो कमा लो जितना कमा सको, नेकी का, परोपकार का, सेवा का। वरना जो 100 साल की तुम्हारी उम्र है ना मेरी माँ, जब इसका हिसाब ईश्वर मांगेंगे तो दे ना पाओगे। अच्छा बताइए, आपकी जितनी उम्र है, इस उम्र में अभी तक आपने क्या ज्यादा किया है, पुण्य की पाप? बोलो क्या ज्यादा किया है? मैया बताओ, अपने से बताओ हमें सुनने की, हम क्या करेंगे जान के। आप अपने से बता लो कि आपने ज्यादा क्या किया है इतनी उम्र में अभी तक, पुण्य किया कि पाप किया? बोलो जोर से। मैया क्या किया? आपकी अंतरात्मा कह रही है ना कि आपने पाप ज्यादा कर लिए हैं। तो मुझे ये बताओ कि पाप का दंड भोगने नर्क जाना पड़ेगा,
तो अभी भी आप जान रहे हैं कि ये गलत है, फिर भी आप गलत काम कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? तो क्यों ऐसा करते हो? मेरी मां हर सांस का हर श्वास का तुम्हें हिसाब देना है वहां, सरकार को हमें हिसाब देना पड़ता है ना, इनकम टैक्स देना पड़ता है, आप लोग देते हैं ना, फाइल है ना आपकी, रिटर्न भरते हो कि चोरी करते हो टैक्स की? सरकार को हमें रुपए रुपए का हिसाब देना पड़ता है हर महीने, हर महीने नहीं तो 6 महीने में, वरना 1 साल में। जब सरकार को हिसाब देना पड़ता है सारी कमाई का, तो सारी जिंदगी में जो किया है वो हिसाब भगवान को भी तो देना पड़ेगा, जा करके हिसाब मांगेंगे वो, फिर नजरें उठा पाओगे। यहां क्या कर, यहां खाओ पियो मौज करने नहीं आए, यहां ईश्वर को पाने, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं मेरी मां। इसलिए कुछ अच्छा कर चलो, कोई नहीं रहा इस धरती पर, कोई नहीं बचा, राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ताजी भोजन बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला। सबको मरना पड़ेगा, हिटलर का नाम कौन कौन जानता है? मैया जानती हो हिटलर को? मैया आप जानती हो? नहीं जानती। एक हिटलर नाम का व्यक्ति था, उसने लाखों लोगों को मारा था। कैसे मारता था? बड़ी भट्टी बनवा रखी थी, आग जलती थी, यदुहियों को सबसे ज्यादा उसने यदुही धर्म के लोगों को मारा था। इस धरती का आज तक के, धरती जब से बनी है तब से लेके आज तक का सबसे क्रूर व्यक्ति हिटलर माना गया, सबसे क्रूर व्यक्ति है। आग जलती थी, छोटे छोटे बच्चों को ले जाके आग में फेंक देता था, स्त्रियों को आग में फेंक देता था, पुरुषों को आग में ले जाके फेंक देता था, और उसे तड़पता हुआ, जब वो तड़पते चिल्लाए तो ये बहुत हंसता था, ये बच्चों की चीख सुन के हंसता था, ये लोगों का दर्द सुन के हंसता था। कितने लाख लोगों को मारा है? 1 लाख तो रिकॉर्ड है, मतलब लिखित में 1 लाख है, और जो लिख नहीं पाए ना जाने और कितने मारा होगा। लाखों लोगों की हत्या इसने निर्मम हत्या की। अब मैं कहना यह चाहता हूं कि एक है हिटलर,
जो बड़ा दुष्ट था, और एक है श्रवण जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। अब बताइए, आज 2022 चल रहा है, क्यों मैया? आज की डेट पर ना तो हिटलर है ना तो श्रवण है। समय ने सबको निगल लिया है, हिटलर भी नहीं बचा और श्रवण भी नहीं बचे। दोनों मर गए, दोनों गए, लेकिन एक मर के दुष्ट कहला रहा है और एक मर कर भी सबके दिलों में राज कर रहा है। तो मरेंगे सब, मरेगा सब, सब मरेंगे, पर कोई मर कर भी जिंदा रह जाता है और कोई जिंदा रहकर भी मरे जैसा हो जाता है। बस ये अंतर है। इसलिए खाओ पियो मौज करो की पॉलिसी नहीं अपनाइएगा कि खाओ पियो मौज करो, ये करने आए हैं ना। कबीरा, जब पैदा भए जग हंसे हम रोए, अब करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। समय तो हमें भी निगल जाएगा, लेकिन जब मरेंगे तो मरने के बाद लोग याद करेंगे कि जब तक जीता रहा तब तक समाज की सेवा करता रहा। हम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में अपना नाम लिखवाएंगे। आग लगाने वालों में नहीं मेरी माँ। एक सज्जन, गरीबों की बस्ती थी, उस गरीबों की बस्ती में किसी ने आग लगा दी। तो सोचो, एक वो है जो गरीबों की बस्ती में आग लगा रहा है, और कुछ लोग हैं जो गरीबों की बस्ती में आग में पानी डालकर उस आग को बुझा रहे हैं। एक आग लगा रहे हैं, एक आग बुझा रहे हैं। समय दोनों को ही निगल जाएगा, ना आग लगाने वाला जिंदा रहेगा मेरी माँ, ना आग बुझाने वाला जिंदा रहेगा। लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि बताओ, मरे तो दोनों, ऐसा नहीं कि हम मरे ना, मरेंगे, लेकिन आपसे मेरा सवाल है, आग लगा के मरना पसंद करोगे या आग बुझा के? बोलो मेरी माँ, आग लगा के मरना पसंद करोगे या आग? बस मेरी माँ, ना तो लगाने वाला रहा ना बुझाने वाला, दोनों ही नहीं होंगे। पर ईश्वर जब न्याय करेंगे तो आग लगाने वालों के साथ अलग व्यवहार होगा, आग बुझाने वालों के साथ ईश्वर का न्याय अलग होगा। यहां से वहां जाना है हिसाब देने, तो वो जब हिसाब किताब हो तो आप थोड़ा सा, आपके पास बोलने के लिए कुछ रहे कि प्रभु मैंने आग लगाई नहीं, सदा मैंने आग बुझाई। इसलिए आपका परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि आप अपनी इंसानियत का परिचय दें और आप एक अच्छे इंसान बन के रहें। तो यहां मैया, हम खाओ पियो मौज करने आए हैं या अपना उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना, सेवा करना, अच्छे काम करने आए? मैया बताओ मेरी मां। स्वामी विवेकानंद जी भी मर गए, भगवान के धाम को चले गए, और एक शराबी भी शराब पीकर मर जाता है। कितने शराबी मर गए होंगे, कितने मूर्ख मर गए होंगे, उन मूर्खों को आज तक किसने याद किया? पर एक विवेकानंद जी मरकर भी सबके दिलों में जिंदा रह रहे हैं। क्या है ये? यही है कि जिसके लिए हम आए हैं वो उद्देश्य यही है कि हम मर कर भी जिंदा रहे। कुछ ऐसा कर जाना मेरी माँ कि कबीरा, जब पैदा भए जग हंसे हम रोए। जब बच्चा पैदा होता है ना तो घर वाले हंसते हैं, अरे बेटा हुआ बेटा हुआ, लेकिन वो बच्चा रोता है, बच्चा रोता है और जगत के लोग हंसते हैं। अब कुछ ऐसा कर जाना कि तुम हंसते हंसते जाओ और दुनिया तुम्हारे लिए रोए, बड़ा भला आदमी चला गया, दुनिया की आंखों में आंसू हो कि ये आदमी चला गया जो देश के लिए जीता था, समाज के लिए जीता था, जिससे लोग सीखते हैं।
जिससे प्रेरित होते हैं, सीख लो कुछ। मीराबाई भी चली गई मेरी मां, और मीराबाई के बाद ना जाने कितने करोड़ स्त्रियां मर गई होंगी, लेकिन करोड़ों स्त्रियां भले मर गई हों पर मीरा का स्थान कौन ले पाया? बस मेरी मां यही मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी ऐसे वैसे ना मर जाना, भगवान की भगवान से प्रेम करो, जमाना जाने ना जाने आप स्वयं अपना कल्याण कर लो, भवसागर से पार होने के लिए आप कुछ पुण्य इकट्ठे कर लो, वो काम आएंगे आपके।